हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने B1, B2, B3 प्लस B1 ING और B1 SAES को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में टाइप्स ऑफ वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जब भी हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहले दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। ऑलराइट, इसको समझने के लिए पहले हमको सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, ठीक। उसके बाद मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये टीचिंग क्या है? क्रिया है, मेन वर्ब है। किससे पता चल रहा है? एम से पता चल रहा है। एम किसको सपोर्ट कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसका अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब किसको सपोर्ट करता है? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब That helps the main verb, जो main verb को support करता है या help करता है। क्या करने के लिए? To make a sentence, to make a sentence, okay? ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, I am a teacher. आई एम अ टीचर, ये टीचर क्या है पता है? नाउन है। अगर नाउन है, नाउन वैसे भी पहचानने का एक दूसरा तरीका है, नाउन के पहले कभी भी ए एन द अगर कोई वर्ड के पहले दिखा तो वो नाउन है। वैसे जरूरी नहीं है कि ए एन द मतलब किसी भी हर नाउन के पहले आपको आर्टिकल दिखे, लेकिन अगर आर्टिकल है तो वो नाउन ही है, ठीक। तो यहाँ पर ये एम अकेला बच रहा है। जब अकेला बच रहा है तो इट मीन्स क्या, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। इट मीन्स ये भी सिद्ध होता है कि हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए। इट मीन्स क्या, मे कम, मे और मे नॉट कम इन द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये जरूरी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ये है। दूसरा चीज आपका देखिए, आई एम टीचिंग, टीचिंग मेन वर्ब है। इट मीन्स क्या, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। ओके, comes before main verb, okay? Before main verb, helping verb हमेशा जरूरी है कि आएगा किसके लिए, main verb के लिए अगर sentence पूर्ण करना है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हम ये sentence में आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अगर आया है तो helping verb के सॉरी मेन वर्ब के पहले ही आएगा। ये तो हो गया आपका जो है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब देखिए आप कुछ सेंटेंस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। I teach and I am teaching. I teach, मैं पढ़ाता हूँ। I teach, मैं पढ़ाता हूँ। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया मेन वर्ब। इट मीन्स क्या, मेन वर्ब क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। तो
पहला एग्जांपल क्या हो गया, टीच क्या है, पढ़ाना है, अगर आप पढ़ाएंगे कुछ करेंगे, आई टीच, आई रन, आई डू, आई कैन आई वर्क, ओके, आई कैन डू कुछ भी, मतलब जैसे आई टीच, आई रन, ये सब क्या है, एक्शन है. आई रीड, आई स्पीक, आई प्ले, ये सब क्या है, एक्शन है. तो ये क्या है, मेन वर्ब क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेन वर्ब दैट डिनोट्स एक्शन. एक्शन नहीं है तो स्टेट दिखाएगा, जैसे आई नो यू, आई नो यू स्टेट दिखा, आई लव यू अवस्था दिखा रहा है. तो अगर एक्शन नहीं है तो स्टेट दिखाएगा. दूसरा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ. हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है, इट मीन्स क्या, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, कम्स आफ्टर मेन वर्ब. ठीक. दूसरा, मैंने कहा आई एम, मैं हूं, हूं लेकिन क्या, आगे मैंने जोड़ दिया टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं. अगर मैंने आई एम लगाया तो कोई अर्थ ही क्लियर नहीं हुआ. इट मीन्स क्या, मेन वर्ब जरूरी है वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए. तो इसलिए आगे देखिए, इज इसेंशियल टू मेक अ सेंटेंस और सेंस, अर्थ को पूर्ण करने के लिए मेन वर्ब जरूरी है. पहला क्या, ये एक एक्शन दिखाता है, एक्शन नहीं तो स्टेट दिखाएगा. दूसरा क्या, ये आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है. जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन मेन वर्ब होना जरूरी है, बिना इसके वाक्य ही नहीं पूरा होगा. दूसरा, अगर इसको हम ना लगाएं तो अर्थ का जो है सेंटेंस का अर्थ ही क्लियर नहीं होगा. तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपका मेन वर्ब के बारे में है. ओके, अब हम आपको बात करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में देखिए कुछ सेंटेंस. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग एंड आई एम ए टीचर. ओके, यहाँ पे जो आपका एम है हेल्पिंग वर्ब है जो एक मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एम क्या है, एक मेन वर्ब है जो एक नाउन को सपोर्ट कर रहा है. इट मीन्स क्या, चाहे मेन वर्ब हो चाहे नाउन हो, वो किससे होके गुजरेगा, इन दोनों से होके गुजरेगा, जिसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तभी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा. और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो है एम हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसको भी लिख लीजिए, दैट वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. ओके, एम जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वह वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य तो करता ही करता है, साथ में मेन वर्ब का कार्य करता है, जिसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें. अब आ जाइए मॉडल्स में. मॉडल्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं. ओके, मैंने कहा आई कैन, यू शुड. आई कैन, मैं कर सकता हूं लेकिन पूछोगे ना क्या. आई कैन लेकिन क्या, रन, मैं दौड़ सकता हूं. यू शुड,
तुम्हें चाहिए लेकिन क्या, यू शुड तुम्हें चाहिए लेकिन क्या। मैंने कहा स्टडी या राइट, यू शुड स्टडी, तुमको पढ़ना चाहिए। कुछ इसमें समझ में आ रहा है? अगर मैं इनको हटा दूं तो क्या इसका अर्थ क्लियर होगा? नहीं होगा। इट मीन्स मॉडल्स वो वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही, वह हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अर्थ को पूर्ण करने के लिए। इसलिए इसका लिखो, मॉडल्स आर आर सच हेल्पिंग वर्ब दैट needs an object to make a sentence or sense। अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम, इनको हम कंप्लीट मॉडल्स भी बोलते हैं। और इसमें एक आता है पार्शियल मॉडल्स, एक आता है पार्शियल मॉडल्स, जो जिनको हम कहेंगे आपका होगा पार्शियल मॉडल्स है ना। मेन होते हैं देखिए जैसे तीन, पहला आपका हो गया नीड, डेयर, और उसके बाद यूज्ड, ये तीन जो है आपके पार्शियल मॉडल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एज ए मेन वर्ब भी कार्य करते हैं। ये तो सारे जो है आपके कैन, कुड, सेल, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारे आपके जो है कैसे वर्ब करेंगे, कार्य करेंगे एज ए जो है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो पार्शियल मॉडल्स होते हैं ये हमेशा आपका जो है, ये दो है, ये दोनों जो है ये तो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करेगा, एज ए मेन वर्ब भी कार्य करता है। लेकिन जो आपका यूज टू है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी कार्य करता है और एज ए एडजेक्टिव भी कार्य करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक, तो इनको जो है पार्शियल मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स जो है इनकम्प्लीट मॉडल्स, जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते। वहीं पर शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओके, ये जितने भी वो मॉडल्स हैं ये कंप्लीट हैं क्योंकि इनके साथ एक ऑब्जेक्ट ही आएगा इनके साथ। लेकिन ये जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कार्य करेंगे और एज अ मेन वर्ब भी, ये दोनों कार्य करेंगे। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू करेगा और दूसरा एज एन एडजेक्टिव भी करता है, जो हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो है टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। अभी पार्ट्स बचे हैं जिसमें हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, साथ में कॉग्नेट वर्ब, इनफाइनाइट, फाइनाइट, उसके साथ साथ जो है आपका लिंकिंग वर्ब, जितने भी वर्ब्स हैं ये सारे क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।